देश और इच्छा, एक इच्छा को मारने से ईर्ष्या नहीं आती, क्रोध नहीं आता, दुश्मनी नहीं होती और खुद भी दुखी नहीं होता। कोई चीज पसंद नहीं है उसके प्रति अपनी इच्छा को मार लो तो आपको क्रोध नहीं आएगा, शिकायत नहीं होगी, मन दुखी नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा और आप जो की त्यों स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इच्छा नहीं मारी और कोई चीज पसंद नहीं आई तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, शिकायत आएगी, बुराई आएगी और शरीर रोएगा, तुम रोएंगे और दुख बढ़ेगा। इसलिए तुम बहुत सारा जो बोझ लेकर घूम रहे हो, तकलीफ का, दुखों का, जिम्मेदारियों का, मजबूरियों का, परिस्थितियों का, पर्वतों का, संसार का, पापों का, उस बोझ को हल्का करने के लिए कथा हो रही है, ये सत्संग हो रहा है। कौन हल्का करेगा तो कहा ज्ञान आएगा, जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान खत्म हो जाएगा और जब अज्ञान मिटेगा तो सारे बोझ हल्के हो जाएंगे, मस्त माथे से, दिमाग से, मन से, सब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा और ये दोनों पवित्र हो जाते हैं तो व्यक्ति पूरा हल्का महसूस करता है, फ्रेश, तंदुरुस्त, प्रसन्न महसूस करता है। दो चार दिन की जिंदगी मानी गई है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, न जाने कब जिंदगी है, कब नहीं है, कब तक हैं हम, कब तक नहीं हैं, हमारा अस्तित्व कब है, कब नहीं है, आज कथा सुन रहे हैं, कल नहीं सुने, न जाने कब क्या हो जाए। इसीलिए भागवत कहती है तदम गतम भूतम यथा गति नाम, हमारे ऊपर समय लात मारे, समय गति दुर्गति करे, उससे पहले हम ही समय को बंध लें, हम समय को जीत लें और हम क्यों न सफल हो जाएं। आप सबके ऊपर बहुत बोझ है, प्रेशर है। जो लोग बूढ़े बूढ़े हो गए, जिनके घर में बेटा बेटी है, बहू है, नाती पोते, जो संभालते हैं सब घर संसार को, फिर भी बुजुर्गों पे बड़ा बोझ है, अकारण भी कई लोग बोझ लिए घूमते हैं बिना मतलब के। सम गति भूतम यथानाम मेघ मरणम च दृश्यता, बादलों के ऊपर बोझ रहता है समुद्र का, इसलिए बादल हमेशा काले काले हो जाते हैं और उन बादलों की वजह से धरती पर भी लोड आने लगता है, धरती भी प्रेशर में आ जाती है और ये मौसम बदला बदला सा दिखाई पड़ता है। और जब बादल समुद्र के बोझ को छोड़ देते हैं तो पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही आप जब संसार के बोझ से मुक्त हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, तो आप और आपकी जो प्रकृति है, शरीर है, वो भी प्रसन्न हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। आपको हर समय अंदर से हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी। कभी कभी तो कोई हंस रहा हो तो हमें गुस्सा आता है। हमारे पास अगर कोई हंस रहा है तो हमें गुस्सा आ जाता है उसकी हंसी देखकर और हम उस पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर में हैं। इस कारण वेधातमेदम तमस पुरस्तात आयो समुद्रम प्रतिनिच शुक्रम यज्जो पवितम बलमस्तु तेजः। जिम्मेदारियों को धारण करने से आदमी कमजोर नहीं होता, बलवान बनता है, पर चिंतायुक्त जिम्मेदारियां जो हैं वो आदमी को कमजोर करती हैं, परेशान करती हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी चिंता मिटे। कैसे मिटेगी चिंता? पर व्यर्थ के अपराध, व्यर्थ की चिंताएं जो आपको घेर कर दुखी कर रही हैं, उनसे मुक्त होना है आपको। कैसे होंगे? तो कहा जब ज्ञान हो जाएगा सच्चाई का, सच क्या और झूठ क्या, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, क्या भोगने के चाहिए, क्या नहीं भोगना चाहिए, किसे अपना कहें, किसे न कहें, ये सब ज्ञान सत्संग से, कथा से और सद्गुरु की वाणी से, शास्त्र से हमें हो जाता है। तो शास्त्र तो पढ़ना दुर्लभ है पर सत्संग सुनना सरल है। आज मौका है, सीख लो पूरा, कैसे हल्के हो, दिमाग कैसा हल्का हो, मन कैसा हल्का हो,
कैसे मन में, बुद्धि में, चित्त में, चरित्र में, घर में, परिवार में, संसार में, जीवन में, श्वासों में कैसे शांति आवे, ये सब ज्ञान सत्संग से, सत महापुरुषों से, भागवत के माध्यम से प्राप्त हो जाए। मानव तू क्यों ढोए फिरता, हाय मानव तू क्यों ढोए फिरता, और पापों की गठरिया, मानव तू क्यों ढोए फिरता, पापों की गठरिया, मानव तू क्यों विकारों में फंस करके, विषय विकारों में फंस करके भूला है डगरिया, मानव को ढोए फिरता, पाप की गठरिया, मानव को ढोए फिरता, पाप की गठरिया। We'll be right back.
ये चेतावनी का भजन है। इस भजन के माध्यम से इतना जरूर संभव हम कर सकते हैं संयोजन कि हम जिस चीज में लिप्त हो रहे हैं, जिस चीज में हम रुचि कर रहे हैं, दुर्जितं यथा भावं मेघम जीव सनातन। ये ब्रह्मांड जब से बना है तब से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में सबके अलग अलग लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, सबके अलग विचार हैं, मति हैं, पर भगवान शास्त्र कहते हैं, भागवत कहते हैं, लक्ष्य सबका अलग अलग होगा मति अनुसार, पर वास्तविक लक्ष्य सबका एक है और वो है मोक्ष, 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 कल्याण करना। तम पुरुषम वेदाम यथा भागवतम, भागवत की रचना क्यों की गई? आदमी जब लक्ष्य से भटक जाएगा तब उसे कौन संभालेगा? तब ऐसा सपना व्यास जी को आया, कलि मूर्धन्यम तदम वेद मानव, कलियुग का आगमन होगा, मानव के पास संस्कार नहीं बचेंगे, वो पूरा अधीन हो जाएगा मशीन के, संसार के, टेक्निक के, और वो तकनीक के पीछे भागेगा, और मशीन के युग में संस्कार नहीं बचेंगे, धर्म नहीं बचेगा, परंपराएं नहीं बचेंगी, और सभ्यताएं बिखर जाएंगी, वैदिकता नहीं बचेगी, वेद और शास्त्रों का अनुसरण नहीं बचेगा, आदमी केवल वैज्ञानिक हो जाएगा और अध्यात्म उसका असली विज्ञान छूट जाएगा, तब आदमी दुखी होगा और निश्चित मरता चला जाएगा, लंबी आयु नहीं जिएगा, तब उसकी कौन मदद करेगा? माता पिता संस्कार नहीं देंगे, माँ बाप में संस्कार नहीं रहेंगे तो औलाद में कहां से आएंगे? तब क्या होगा? तब व्यास जी चिंता करते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तत्त्वम दर्शितम साधुनाम, समाज की चिंता साधु को ही है सबसे ज्यादा। जब से दुनिया बनी है ना, तब से लेके दुनिया जब तक रहेगी, ये महात्मा, ये संत, ये ग्रंथ ही समाज की चिंता करेगा। रुत बदलेंगी, अच्छे बुरे महात्मा भी होंगे, पर ये साधु ही बचाएंगे। कोई साधु नालायक हो जाए, दुर्जन हो जाए, तो भी साधु ही बचाएगा तुम्हें। दर्शितम साधु नाम यथा कृत्वाम तद ग्रंथम भागवतम मूलम प्रपन्नम सत्यम कृत्वम आत्मानम सह मानवः, क्योंकि ये ग्रंथ आत्मा का मूल है। नारद जी ने कल भागवत की कथा का श्रवण किया और उन्हें यह विश्वास हो गया भागवत का, दुनिया में किसी भी चिंता से मुक्त होने का अगर कोई एकमात्र स्थान है तो वो स्थान है भगवत चरण, सद्गुरु चरण, भागवत चरण, सत्संग चरण। तम पुष्टम गति भूतम च आत्मनम सृजिताम यथा, आत्मा की उन्नति का एक ही पथ है और वो है पथ भगवत पथ, ईश्वरीय पथ, वास्तविक मार्ग, धर्म मार्ग। धर्म के मार्ग से अर्थ भी बहुत आता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती धर्म के मार्ग से। धर्मात्मा महात्मा बहुत धनवान है दुनिया में, धर्म के लिए कोई कमी नहीं उनके पास। तत्व धर्म सिद्धि अर्थ, धर्म किसी का वास्तव में अच्छा हो तो उसके पास धन दौड़ के चला आता है, लक्ष्मी उसके चक्कर मारती है, लक्ष्मी उसको स्पर्श करना चाहती है, लक्ष्मी उसके सानिध्य में रहना चाहती है, ये सब प्राप्त होता है। तम भूतम यथाच भागवतम, नारद जी ने व्यास जी की चिंता को दूर करने का प्रयत्न किया। प्यारे भाइयों, नारद जी के पास तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है सबकी चिंता दूर करने का,
कल अपने पिता ब्रह्मा की चिंता दूर की, फिर भक्ति महिला की चिंता दूर की, उसके पुत्रों की ज्ञान और विवेक की चिंता दूर की, और आज उन्होंने नारद को सरस्वती नदी के तट पर बिलकते बिलकते देखा, निराश देखा। शक्वम प्रसन्न वदनम तदम दर्शितम, आकर नजदीक देखा और मिलन किया, पूछा कश्यम कारणम तदा दुख। हे व्यास जी, क्या दुख है? आपका चेहरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। संसारियों का, भोगियों का, नौकरी वाले का, बिजनेसमैन का, व्यापारी का, किसान का, इनका चेहरा उतर जाए तो समझा जा सकता है कि भाई इन्हें घाटा हो गया होगा, नुकसान हो गया होगा, बेचारे माया वाले हैं, प्रपंच वाले हैं। पर किसी ज्ञानी को भी चेहरे पर उदासी आ जाए। संगति दुर्जितम ददम भूताम यथा परमार्थम यथा, साधु के चेहरे पर उदासी कब आती है? जब उसका कोई परमार्थ बिगड़ रहा हो, जब उसका कोई धर्म बिगड़ गया हो, अध्यात्म कमजोर पड़ रहा, यानी कभी संसार के लिए दुखी नहीं होते। और जो संसार के लिए दुखी है वो ज्ञानी नहीं है, वो खाली ज्ञान का नाटक कर रहा है, ज्ञान का प्रचिति कर रहा है, ज्ञान की प्रस्तुति कर रहा है। जो वास्तव में ज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें सत्य का बोध हो जाता है, वो परमार्थ में तो दुखी हो सकते हैं, उनका अध्यात्म कमजोर हो जाए, परमार्थ बिगड़ जाए तो उनको चैन नहीं आता। अर्जुन को अभिमन्यु के मरने से दुख हुआ? इतनी सारी सेना मरी, अर्जुन को दुख नहीं हुआ? प्रश्न किया लोगों ने, अर्जुन इतना ज्ञानी है फिर ये दुख कैसा? तो अर्जुन कहता है, पुत्र मृत्यु का दुख नहीं है, दुख अन्याय का है, मेरे पुत्र को अन्याय से मारा गया है, ये दुख है। और वो परमार्थ को मारा है, उसको अध्यात्म को, क्योंकि मेरा पुत्र नहीं, वो अध्यात्म था, परमार्थ था, वो धर्म था। और धर्म की हानि होती है तो ज्ञानियों को, संतों को कष्ट होता है। संसार की हानि से साधु महात्मा कभी कष्ट नहीं करते। उनको कैसा खाना दे रहे हैं आप, कैसा नहाना दे रहे हैं आप, कैसे रुपया दे रहे हैं आप, कैसा प्यार दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उसके पर्याय होते हैं, खाना अच्छा नहीं है तो उसका पर्याय है, आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, फल खराब नहीं होते, फल में स्वाद नहीं डाला जाता है, फल नेचुरल है। वो भी खराब है तो आप और आहार ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, और भी कुछ न मिले तो आप परमार्थ करके एक दिन व्रत कर सकते हैं, उपवास ले सकते हैं, पर भूखे रहने पर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर आपके पास ज्ञान होगा तो होगा, आपके पास परमार्थ होगा तो होगा, आपके पास सत्य होगा तो होगा। अगर नहीं है तो आप नाराज हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, ऐसा बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, तय किया, वो किया। वस्तुतः भागवत का मूल क्या है? भागवत का मूल है प्रत्येक जीव आत्मा का उद्धार करना। यजमान का तो उद्धार होता ही है, क्योंकि उसने तो अपना तन मन और धन ये तीनों का प्रयोग करके ये पांडाल, ये अनुष्ठान, ये सत्य सत समागम किया हुआ है। पर जो भैया जो नियोजक है, जो श्रोताएं, उनका ये कल्याण करती है। श्रवणम धातु यथाश्रुति, पर भैया श्रोताओं के लिए ऐसा कहा गया है कि जो श्रोता इसे श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके लिए ये धात बनती है, त्रिदंड बनती है। मन सावाचा कर्मणा, मन के पाप, वचन के पाप और कर्मों के पाप को ये दंडित करके श्रोता का उद्धार करती है, उसे पवित्र करती है। व्यास जी को चिंता ने घेर रखा है। चिंता क्या है? संसार की, आपके घर के, परिवार के, आपके। व्यास जी को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, व्यास जी को आपकी चिंता लगी है। व्यासम निध्यासम मूलघृतम तदम मेद उपाशितम। नारद जी ने व्यास जी को कहा, महाराज भगवान नारायण का जाप करो, जब तक परमात्मा हरि भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न नहीं होंगे आपकी भक्ति से, तब तक आपकी चिंता से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिलेगा। सारी चिंताओं की मुक्ति नारायण के पास है।
क्योंकि मनुष्य को जो चिंता है किसकी है, पदार्थों की, वस्तु की, मकान की, उन्नति की, वैभव की, सफलताओं की, विजयता की, इसकी चिंता रहती है सर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको चिंता है पास होने की, जो पढ़ गए उनको चिंता है नौकरी की, जो नौकरी कर रहे उनको चिंता है विवाह की, जिनका विवाह हो गया उनको चिंता बच्चे और प्रमोशन की। हाँ, ये एक एक चिंताएं संसार की है सर। व्यास जी की ऐसी चिंता नहीं है। व्यास जी की चिंता कैसी है? परमार्थ की, संसार के कल्याण की। उन्हें रात भर सपने आ रहे हैं, रात भर सपने। सपना पूरा झूठा नहीं होता बहनों भाई। अलंकृतम कदम स्वत्वगति ही, सपना पूरा झूठा नहीं होता, कभी कभी उसके एहसास झूठे होते हैं, पर सपने सत्य हो जाते हैं। सपने को अर्ध सत्य माना गया है, इसीलिए तुलसीदास कहते हैं सपना कैसे होता है, सपना होता है संसार की तरह। ये संसार झूठा नहीं, इसके व्यवहार झूठे हैं, संसार संसार के रिश्ते झूठे हैं। यहाँ का जो अवयव है, सम्मो संगोष्ठी है, वो झूठी है। संसार झूठा नहीं है, संसार सत्य है। संसार के जो पहलू है, व्यवहार है, वो झूठे। जैसे दूध झूठा नहीं है, दूध से बने हुए सारे पदार्थ झूठे टाइप के, दूध नेचुरल है, मिठाई नेचुरल नहीं है। उसमें झूठ और सच मिलाया गया मिठाई में, तब बर्फी बनाई, कलाकंद बनाया, रसगुल्ला बनाया, यानी वहां सत्य असत्य दोनों का मिश्रण है स्वाद पैदा करने के लिए। संसार के व्यवहार को असत्य कहते हुए कहा, क्षणतम न संसारम गति सारम वेद पुरुषः। संसार का सार क्यों नहीं मिलता किसी को? क्योंकि यहाँ व्यवहार झूठा है। दिन भर बदलता है आदमी, पल पल बदलता है, दिन भर बदलता है। हाँ, आज पति पत्नी कितने मस्त लग रहे हैं, कितने खुश हैं, और दूसरे दिन वही पत्नी पत्नी दोनों हैं दुनिया भर के नाराज। दुनिया भर का दुख है, क्लेश है, गम है, अनेक परेशानी, झगड़े, क्लेश, क्रोध, ईर्ष्या, नहीं रखूंगा, निकल जा, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कल प्यार था आज ऐसा हो रहा है। इसलिए संसार तो सत है, संसार के जो अवयव है, व्यवहार है, परिलक्षण गुण है, वो झूठे प्रतीत होते हैं। इसलिए संसार को भी झूठे जैसा माना। न सारम गति संसारम तदम वेद व्यवहारम, संसार में वेद अनुसार व्यवहार कोई करता नहीं, इसलिए सब झूठा झूठा लगता है। बेटे को देखो, बाप से पैसा चाहिए तो कितना बढ़िया बोलता है, और पैसे अंडर हो गए, पैसे हाथ में आ गए, तो फिर बाप सिर्फ 70% बातें छुपाता है। अपनी माँ से छुपाएंगे, बाप से छुपाएंगे, जरूरत में पिताजी को अर्पण हो जाएंगे, जरूरत पूरी होने पर पिता को निग्लेक्ट कर देंगे, ये व्यवहार हुआ। संसार सत्य है, बाप और बेटे का रिश्ता सत्य है, पर दोनों के व्यवहार सत्य। इसलिए क्षण ही वेति संसारम तो दुखम, संसार के व्यवहार से इसीलिए सुख नहीं आते ज्यादा, दुख ज्यादा। व्यास जी को यही चिंता है। आज का युग धार्मिक है, आज का युग वैदिक है, आज का युग ब्राह्मण युक्त है, आज का युग गुरु आज्ञा में रहने वाला है, तो भी संसार इतना दुखी है। कलयुग में लोग ब्राह्मण युक्त नहीं रहेंगे, ग्रंथ नहीं रहेंगे, गुरु आज्ञा में नहीं रहेंगे, दर्शन शास्त्र वेदों का अनुसरण नहीं करेंगे, पाखंड पर, अंधविश्वास पर, सत्य का प्रतीति करेंगे, तब लोग कैसे सुखी होंगे? ये चिंता सता रही, चिंता कैसे मिटेगी? तो नारद जी ने कहा, आप चिंतन मत करो, मैं आपकी चिंता मिटाता हूँ। कैसे? तो कहा, यह मंत्र जाप करो बैठ करके, हरे परमात्मने नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, नमस्तुभ्यं नमो नारायणं नमः, श्रीं रामाय नमः, मेधस्रुति प्रवृत्तियोगं भवतन्नयोगो समनसो सचेतसाहरे। ये मंत्र से भगवान हरि को प्रसन्न करो। तुम्हारी चिंता क्या है मैं समझ गया,
तुमने बड़े पुराण और कथाएं लिखी हैं, तुमने बड़े इतिहास लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ महाभारत गीता लिखे हैं, पर व्यास जी तुमने हरि कथा, भगवान कथा, भगवत कथा, पूर्ण कथा, लिप्य कथा और 16 कलाओं की कथा वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे लेखन अधूरे हैं। और जो आदमी अधूरा जीवन जीता है वो पूरी शांति को नहीं पाता, तुम इसलिए चिंतित हो, भगवत कथा के बगैर शांति नहीं मिलती है। तदम ग्रंथम भूता नाम यथा, बनिया लोग कितने बही खाते लिख देते हैं, हर साल नया बही खाता है, बनिया लोगों के घर में बड़े बड़े बही खाते हर साल नए नए लिखे जाते हैं, फिर भी बनिया कहां सुखी होती, दुनिया भर की चिंताओं ने घेर रखा है उसे, परेशानियों ने घेर रखा है, क्यों? अरे भैया, खाते लिखने से, संसार लिखने से, व्यवहार लिखने से कभी सुख नहीं आएगा, समृद्धि नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। शांति का दर्शन कैसे होता है? शांति का दर्शन होता है धर्म युक्त परमार्थ से। भगवतम रचितान योग मूलम, आप दिन भर राम नाम लिखते रहो, शाम को सोते समय आपको अपने लिखने का एहसास होगा और अंदर से गर्व और गौरव दोनों प्रतीत होगा, और ये होगा दिल कि भाई आज मेरा दिन अच्छा गया, ये दुनिया कितना झूठा सच्चा लिखती है, मेरे हाथों से परमात्मा ने अपना नाम लिखवाया, हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दो, ऐसी गति दो कि मैं आपका ही नाम गाऊं, आपका ही नाम लिखूं। संसार की रचना भगवान के नाम से ही तो है, संसार का प्राकट्य भगवान के नाम से ही तो हुआ है, दूसरी कोई कोई वस्तु कोई तत्व ऐसा नहीं है जिसका प्राकट्य भगवान के नाम से, यश से नाम हुआ। आज भगवान वेद व्यास जी ध्यान करने बैठे, अधिष्ठम ध्यान मूलम च, नारायण का ध्यान कर, आप भी कर लो नारायण का ध्यान। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हाँ।